हम लोग जी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 पर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का 5.5 एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आज का क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में लॉग का प्रयोग है। सभी क्वेश्चन में किसका यूज करेंगे? तो लॉग का, लघु गणक का। तो जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट के क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लॉग का यूज कब करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई छत पे चढ़ गया, ध्यान दीजिएगा, छत पे चढ़ गया तो उसको उतारने के लिए लॉग लेना पड़ता है, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्स के पावर अगर एक्स है, एक्स के पावर एक्स, तो ये देखिए छत पे चढ़ गया। इसको हम लोग चेन रूल से नहीं कर सकते हैं और ना ही एक्स के पावर एन पे हम कर सकते हैं। एन तो जो होता है वो घात होता है, और घात जो वास्तविक संख्या के रूप में होना चाहिए, संख्या ये सब होना चाहिए। तो यहां तो है चर राशि, इसका घात है क्या है बंधु? चर राशि है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा फंक्शन आ जाए एक्स के पावर साइन एक्स आ जाए, साइन एक्स के पावर इसका कुछ कॉस एक्स आ जाए, यहां एक्स भी हो सकता है, जैसे लॉग एक्स के पावर एक्स आ जाए। जैसे यही क्वेश्चन में देखिए लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स है। तो छत पे कोई देखिए चढ़ा हुआ है छत पे, तो इसको उतारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो लॉग का। कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, जैसे x प्लस वन है और x प्लस टू है और x प्लस थ्री है, तो इसे तो u भी w से भी बना सकते हैं। पिछला क्लास में हम बताए हैं u भी और w से भी बना सकते हैं, और लॉग लेकर भी बना सकते हैं, क्योंकि तीन टर्म है और तीनों को अलग अलग करना है। तो जब लॉग ले लेते हैं तो लॉग में जब गुना में रहता है तो क्या चीज में होगा? प्लस में हो जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा बंधु आगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे जी? लेट कर लेंगे। तो हम लोग लेट कर लेंगे इसे बाई, तो बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स और इसका पावर क्या है सर? कॉस एक्स है। यहां तक क्लियर हो गया? पहले तो लेट कर लिए, उसके बाद कुछ नहीं। यहां देखिए छत पे भाई साहब चढ़ गया है तो इसको उतारना है हमें, तो क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग ले लेते हैं, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पर? लॉग लेने पर। यहां पर कॉपी में आप क्या कीजिए? तो नोट कर लीजिए। तो यहां जरा देखिए, हम लॉग ले लेते हैं, इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग बाई हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें जब लॉग लेंगे तो इस, ये तो पूरा टर्म रहेगा और इसका आगे क्या आ जाएगा? लॉग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया लॉग और ये टर्म को हम पूरा को लिखना पड़ेगा। तो जरा देखिएगा, लॉग एक्स और इसका पावर क्या है बंधु? कॉस एक्स है, और ये हो गया क्लोज। क्लियर हो गया? बाई के आगे मतलब दोनों तरफ लॉग लिए तो लॉग बाई हो गया, और इसमें लिए लॉग, अब पहले से देखिए लॉग एक्स और कॉस एक्स था तो लॉग एक्स और कॉस एक्स लिखे और इसमें हम लॉग लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये लॉग x के पावर m अगर इस तरह से रहे तो m आगे गुना हो जाता है, मतलब m इंटू लॉग क्या होगा? x हो जाएगा। अगर वो उसी तरह से x के पावर अगर यहां 10 रहे तो 10 कहां आ जाएगा? गुना में, मतलब लॉग के जो यहां फलन रहता है, यहां जो भी उसका अगर जो पावर रहता है वो कहां आ जाएगा? तो गुना में आ जाएगा। तो यहां जरा देखिए 10 और लॉग क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो उसी तरह से देखिए सर, यहां पर लॉग है और उसके बाद ये देखिए, जैसे यहां x था log के बाद तो यहां भी log के बाद ये देखिए पूरा x है ये वाला, और इसका ऊपर कुछ है, तो ये हो गया m। तो cos x कहां आ जाएगा? तो आगे गुना में आ जाएगा। तो कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा मिस्टर, cos x मतलब घात जो है गुना हो जाता है, तो आगे हम कर देते हैं cos x को। तो सबसे पहले लिखें cos x, जब cos x चला गया तो क्या बचा? ये पूरा टर्म बच गया, बचा कि नहीं बचा? log log x बच गया है सर। cos x जब हटा देते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, log x आगे आएगा तो ये देखिए बच गया, बचा कि नहीं? हां सर बच गया। तो यहां था आपका cos x, तो cos x को कर दिए आगे, तो ये टर्म आपका बच गया log,
और ये है आपका log x। देखिए यहां पे गुना उना नहीं है, ये जो जैसे यहां देखिए log x है, log क्या है x, तो log x है तो यहां पर log x, तो ये देखिए यहां पे log x के रूप में है, मतलब log का जो यहां फलन है ये log x में है। जैसे log 10 भी हो सकता है, log sin थीटा भी हो सकता है, log 5 भी हो सकता है। तो यहां जैसे ये 10 है sin थीटा 5, तो यहां पे गुना नहीं है सर, गुना नहीं है, तो यहां पे भी ये गुना नहीं है। जैसे 10 sin थीटा 5 है उसी तरह से यहां क्या है log x है, मतलब log के अंदर क्या है मिस्टर, तो log है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आगे, जरा समझ समझ के आगे बढ़िए। देखिए थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है, हर एक क्वेश्चन बड़ा बड़ा जाएगा, तो पूछता भी तो है 5 मार्क्स का, कितना मार्क्स का जी, 5 मार्क्स का पूछता है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा हम लोग को। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पे देखिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पे, तो कर दें क्या, तो कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले कीजिए, log by और बटा dx हो जाएगा, किसके सापेक्ष में, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम dc कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो इसको किए और मेरा अब कौन सा टर्म है सर, ये टर्म है, तो इसका भी कर दें क्या, तो कर दीजिए सर, इसमें लेट किस बात का है, तो कीजिए यहां पे सबसे पहले d और पूरा का पूरा लिख दीजिए, log x log और यहां है log x और ये बंद और यहां हो गया dx हो गया। जरा ध्यान दीजिए, इस टर्म में दोनों तरफ क्या ले लिए हैं, तो डिफरेंशिएशन कर दिए। अब आगे जरा देखिए log y का, ये समान है कि असमान है, तो असमान है, तो y का सबसे log का होगा तो 1 बटा x, तो x के रूप में क्या है, तो y है, तो y आ जाएगा नीचे, क्लियर है। log y का 1 बटा y जो यहां रहता है वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब y का चेन रूल पे तो d by y dx हो गया, क्लियर है सर, तो हां सर क्लियर है। अब आगे जरा देखिए, ये देखने के बाद आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये देखिए सर दो टर्म है और ये गुना में यहां पे है, एक cos x है और ये पूरा टर्म है, मतलब u इंटू वी पे जा रहा है, तो याद है u इंटू वी रूल हम बताए हैं, u इंटू वी रूल क्या था, जरा ध्यान दीजिए सर, तो पहला को निकालिए, किसको, पहला को मतलब u को, और दूसरा को डिफरेंशिएशन कीजिए और प्लस देके अंदर बाहर कीजिए, v को बाहर और u को कर देंगे कहां, अंदर। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, ध्यान दीजिए टकटकी लगा के, u को बाहर किए मतलब पहला को निकाल दीजिए, दूसरा को कर दीजिए प्लस देके बाहर और अंदर कर दीजिए, हो गया क्लियर। इसी पे हम अब इसको क्या करने वाले हैं, तो सेट करने वाले हैं। तो देखिए पहला को निकालिए, तो पहला क्या है cos x है, तो cos x को बाहर निकाल देते हैं। चलिए अब डिफरेंशिएशन ये बड़ा वाला टर्म का होगा, पहला को निकालना और दूसरा का डिफरेंशिएशन करना, तो दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दीजिए अब, और यहां हो गया dx और प्लस, पहला को निकाले दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब दूसरा ये अंदर बाहर करना है, इसको बाहर और इसको अंदर, पूरे बड़ा वाला टर्म को कहां निकाल दीजिए ठाकुर, तो बाहर निकाल दीजिए सर, तो निकाल दिए हम बाहर। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos x का होगा, तो यहां चला गया क्या cos x बटा dx, फिर से एक बार आप समझ लीजिए सर, दोबारा cos x को हम बाहर निकाले, तो पहला को निकाले तो दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब पहला देखे इसको बाहर और इसको अंदर, तो आप देख लीजिए क्लियर है। अब आगे, अब तो सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां जरा आप देखिए ये बाई भाग में है तो उधर गुना में जाएगा, भाग में डिवाइड में है तो उधर मल्टीपल में जाएगा, तो कर दीजिए सर, डी वाई बाई डी एक्स इधर बच गया, और हमें निकालना क्या है, तो डी वाई वाई क्या निकालना है, डीएक्स निकालना है, तो बाई को उस तरफ कर देते हैं, चलिए कर दिए। अब यहां पे बाई जब चल गया, यहां देखिए कॉस एक्स है मित्र, अच्छा आपको देखकर समझ में आने लगा कि सर ये तो चेन रूल है सर, दो या दो से अधिक फलन एक ही में समाहित है, घुसा हुआ है, तो चेन रूल पे जब log log x के कीजिएगा, तो याद कीजिए सबसे पहले इस log का होगा,
क्या बोल रहे हैं जी, सबसे पहले इस लॉग का होगा, तो लॉग का होता है वन बटा एक्स, तो एक्स के रूप में ये देखिए पूरा टर्म है सर, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स। फिर जब लॉग का होगा तो वन लॉग एक्स का होगा, तो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स। फिर से जरा ध्यान दीजिएगा तब समझ जाइएगा, कॉस एक्स को हम लिख दिए, जब इसको देखे तो समझ में आया कि चेन रूल पे जा रहा है, तो सबसे पहले इस लॉग को किए और ये एक्स के रूप में है, तो लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, तो लॉग का वन दिए और एक्स के रूप में ये पूरा लॉग एक्स है, तो ये आ गया नीचे। फिर से अब जब लॉग एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का वन बाई क्या होगा, एक्स है। तो यहां समझ लीजिए थोड़ा चेन रूल का फंडा सर, ऐसे आप तो समझते ही हैं, लॉग एक्स और बटा, सबसे पहले हम लॉग को हटाएंगे, यही होता है एक बार में एक फंक्शन को हटाते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका लॉग एक्स। ये कहां जाएगा मित्र, तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब लॉग हटा तो क्या बचा, एक्स। काम क्लियर है, सबसे पहले लॉग हटा, लॉग नीचे, लॉग एक्स नीचे आया, लॉग एक्स ऊपर गया, फिर लॉग हटा तो एक्स आ गया। क्लियर हो गया सर? हाँ सर। लॉग एक्स का अब देखिए इसका करना है यहां पे, तो वन बटा लॉग के छोड़कर क्या बचा, ये बचा, तो ये कहां आ जाएगा नीचे, लॉग के छोड़ के जो बचा वो कहां, नीचे। अब लॉग एक्स का तो फॉर्मूला जानते हैं, वन बटा एक्स, log x का 1 बटा x हो गया, तो देखिए वही लिखे हैं कि नहीं, 1 बाई x और 1 बटा x, 1 बटा x, क्लियर है? तो हाँ सर क्लियर है। तो चलिए आगे अब बढ़ाते हैं, पूरी अच्छी तरीका से आपको समझ में आना चाहिए, समय थोड़ा लगे लेकिन पूरा क्लियर होना चाहिए, कहीं भी अटकना उटकना नहीं है। प्लस देखिए तो डिफ्रेंसिएशन तो cos x का होगा, ये तो बाहर है तो इसे लिख देते हैं, log और ये है आपका log x, और cos x का फॉर्मूला बताइए जल्दी, माइनस क्या होता है मित्र, sin x होता है। क्लियर? अब देखिए d by by dx निकल चुका है, तो यहां लिख दीजिए d by by dx, by by का तो मान रखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन था by किसे लेट किए थे, यही था देखिए, ए हाँ ए हाँ यही क्वेश्चन था, by log x और cos x, तो यहां पे कर देंगे हम लोग log x और ये हो गया cos x। क्लियर है? बाई का वैल्यू हम क्वेश्चन से क्या किए रख दिए हैं, अब यहां पे ठीक से लिखेंगे, ऊपर में देखें यहां क्या बच रहा है, तो cos x बच रहा है, x log x, x को पहले लिख सकते हैं तो लिख दीजिए x log x प्लस, अच्छा ये माइनस आगे आ जाएगा तो आगे ला दीजिए, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस। अब ये सिर्फ टर्म को लिख दीजिए, तो ऐसा करते हैं साइन एक्स को पहले हम लिख देते हैं और उसके बाद लॉग, और ये हो गया आपका लॉग एक्स, यही आपका खूबसूरत क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा मित्र, 4 कर रहे हैं, तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन तो बड़ा तो है मित्र, इसमें कोई दूसरा शक नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है मतलब बोर्ड भी कम पड़ जाता है, इस क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए बोर्ड भी क्या होता है कम पड़ जाता है, लेकिन सिखाने का जिम्मेवारी किसका है, मेरा है, आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होने हम नहीं देंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें दो टर्म आ गया है, कितना टर्म है, दो टर्म है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन है इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है मित्र, डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले बाई लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे जी, बाई तो कर लीजिए, तो बाई एक्स के पावर एक्स और माइनस दो के पावर क्या है, साइन एक्स है, हम लेट कर लिए, ये जरा देखिए ये क्लियर है आपका। अब जब दो टर्म या दो से अधिक रहे और प्लस माइनस में रहे, जब दो टर्म रहे प्लस माइनस में रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यू और इसको भी मान लेते हैं, फिर से लेट करते हैं, अगेन लेट करेंगे हम लोग, पुनः माना, तो यहां फिर से हम कर रहे हैं, अगेन लेट कर रहे हैं, अगेन लेट, आप लोग देखिए नीचे लिखते जाइएगा, मेरा जगह के कमी है इसके कारण हम कहां लिख रहे हैं मिस्टर, तो ऊपर ही लिख रहे हैं, तो आगे जरा देखिएगा, बाई है यहां पे,
पुनः माना x के पावर x को हम u मान लेंगे और बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। फिर से जरा समझिएगा सर हम क्या कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं जरा समझ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन था, इसे हम क्या मान लिए, बाई मान लिए, लेट कर लिए बाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बाई लेट कर लिए। हम क्या देखें कि इसमें दो टर्म है, कितना टर्म है बंधु, दो टर्म है और बीच में माइनस है, और माइनस या प्लस के रूप में अगर दो टर्म रहे तो फिर से मानना पड़ता है, पहला को यू मान लेंगे और दूसरा को भी, अगर एक टर्म और रहेगा तो उसे भी मान लेंगे। तो इसे हम लोग मान लिए यू और इसे भी, तो यहां हो जाएगा यू माइनस भी। तो यहां देखिए बाई बराबर यू माइनस क्या हो गया, भी। यहां तक क्लियर है? अब जरा देखिए जो ये माने हैं इसके, इसे दोनों तरफ अवकलन डिफरेंशिएशन कर दिए x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं मित्र, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कर दीजिए। y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आप समझ रहे हैं कि डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद u है तो यहां पे u du by dx हो जाएगा। v का कर दीजिए सर, u का किए किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो du बटा dx, और ये हो जाएगा dv बटा dx, तो ये हो जाएगा dv by dx, और इसे कर लीजिए समीकरण फर्स्ट। यहां तक कोई आपत्ति? जो क्वेश्चन था उसे बाई लेट किए, हम देखे कि दो टर्म है, दो टर्म है तो पहला का यू और दूसरा का भी, तो बाई बराबर यू माइनस भी क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो आया इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए, तो बाई का किए तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इक्वल टू है, यू का किए तो डी बाई डी एक्स, और माइनस है बीच में देख लीजिए तो माइनस भी दिए, और वी का डी वी वाई क्या हो गया, डी एक्स हो गया, और इसे समीकरण एक हम क्या किए हैं, लेट कर लिए। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, जरा टकटकी लगा के क्या कीजिए, सुनिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाइएगा। एक बार अगर गड़बड़ हो गए तो फिर क्या, दूसरा बार बनाना है और क्या, दूसरा बार क्या करना है, बना लेना है। जरा देखिए सब, हमको डी बाई बाई डी एक्स निकालना है मित्र, तो डी बाई बाई डी एक्स के लिए हमको डी यू बटा डी एक्स और डी वी बटा डी एक्स चाहिए। अगर डी यू बटा डी एक्स और डी वी बटा डी एक्स निकल गया और समीकरण एक में मान रख दिए तो काम हो गया, मतलब हमको डी यू बटा डी एक्स चाहिए और डी वी बटा डी एक्स, इसका मान निकल जाएगा तो हम यहां पे रख देंगे तो डी बाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमको जरूरत है डी यू बटा डी एक्स का, मतलब यू का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो u किसको माने थे हम लोग, u के देखिए x के पावर x को हम क्या माने हैं, u, जरा ध्यान दीजिएगा सर यहां पे। अब हम लोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे अब, हिंदी में अब लिखिएगा, तो x के पावर x को क्या माने हैं, u, मतलब u बराबर x के पावर क्या माने हैं, x, और भी किसको माने हैं, तो दो के पावर साइन एक्स। तो यहां आ जाइए, अब इधर हम कर देते हैं थोड़ा, भी को हम बोल रहे हैं दो के पावर साइन एक्स, इसको हम क्या माने थे यू और इसको माने थे भी, क्लियर है? ये इसको क्या माने हैं जी, तो यू माने हैं, और इसको क्या माने हैं भी, तो देखिए यू को एक्स के पावर एक्स, क्लियर था? भी देखिए भी दो के पावर साइन एक्स, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? x के पावर x है, ये छत पे देखिए चढ़ा हुआ है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो इसमें लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग या लघुगणक लेने पर, यहां पे लिखना पड़ेगा दोनों तरफ लघुगणक क्या करने पर, लेने पे। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्यों लॉग लिए, क्योंकि ये छत पे चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या लेना था, तो लॉग लेना था, तो यहां हो जाएगा लॉग u और यहां हो जाएगा लॉग x के पावर x। अब देखिए यहां भी छत पे चढ़ा हुआ है लेकिन लॉग इसमें नहीं लेंगे, अब कहिएगा सर यहां पे छत पे चढ़ा हुआ था तो आप लॉग ले लिए और यहां पे भी चढ़ा हुआ है तो आप लॉग नहीं ले रहे, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है,
डायरेक्ट क्या चीज पे है, तो फॉर्मूला पे है, तो इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो कौन सा फॉर्मूला पे है जरा ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स और बटा डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है। इससे देखिए फॉर्मूला सीख लीजिए, इससे पूरे लिख दीजिए क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को आप लिख दिए और लॉग, और यहां पे ए है तो ए दे दीजिए। देखिए डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स हो जाएगा और लॉग लगा के इसे लिख दिए। अगर रहा 10 के पावर एक्स, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे लिख दीजिए क्वेश्चन को 10 के पावर एक्स और लॉग दे के जैसे यहां पर ए दे दिए तो यहां पे क्या दे देंगे 10 दे देंगे, जो भी यहां पे रहेगा वो क्या करेंगे दे देंगे। अगर 5 रहता तो यहां पे 5 दे देते, मतलब जो भी टर्म रहेगा यहां, जरा देखिए तो यहां पे डायरेक्ट दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला लिखते चलिएगा सर। आगे जरा देखिए तो इसका हो जाएगा dv और बटा dx, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या किए हैं डिफरेंशिएशन किए हैं, तो यहां देखिए d और 2 के पावर sin x और बटा क्या हो गया dx हो गया, तो यहां जरा देखिएगा dvy dx, पहले इसे ही पूरा कर लेते हैं उसके बाद इसको पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसी के जैसा फॉर्मूला आ गया, तो सबसे पहले पूरा का पूरा क्या लिखना है, तो क्वेश्चन लिखना है सर, तो क्वेश्चन लिख दीजिए। ये नहीं कि ये सब क्वेश्चन को चेन रूल पे लेके जाइएगा, नहीं चेन रूल पे नहीं जाएगा सर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, तो लॉग 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 और 2 हो जाएगा, जैसे हाँ क्या था 10 के पावर x तो वही लिख दिए 10 के पावर x और फिर log 10, तो यहां पर देखिए 2 के पावर sin x तो 2 के पावर sin x और log उसके बाद क्या हो गया 2। यहां तक इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब इसमें आइए, अब इसका कहानी आगे बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, तो टेकिंग log बोथ साइड दोनों तरफ इसमें क्या ले लिए log ले लिए हैं। अब जब log ले लिए हैं तो ये देखिए तो सबसे छत पे है तो log का रूल लगेगा, तो ये कहां जाएगा कूद जाएगा आगे, कूदा दें इसको, मतलब log x के पावर अगर m रहता है तो m गुना में आता है, m into log क्या होता है x होता है, तो इसको कूदा दीजिए। इसको क्या करना है सर, आगे कूदाना है, तो देखिए जरा log u जब ये x कूद जाएगा तो यहां हो गया x और log x, जरा ध्यान दीजिएगा मिस्टर जरा ध्यान दीजिएगा, x आ गया आगे तो x जब हट जाएगा तो log x बचेगा, तो log x लिख दिए। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं हम, तो d log u और y dx हो गया। अब यहां भी डिफरेंशिएशन x और यहां क्या हो गया log x और डिवाइडेड वाई क्या हो गया डीएक्स हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा जब लॉग यू का हम लोग करेंगे, किसका करेंगे लॉग यू का, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, हम इसे क्या कर रहे हैं तो डिलीट कर रहे हैं। आगे अब जरा आप देखिए लॉग यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले लॉग का 1 बटा एक्स, तो एक्स के रूप में यू है तो 1 बटा एक्स, एक्स के जगह क्या आ जाएगा यू, और समान है क्या समान है तो असमान है, तो u का जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो du by क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा बंधु, ये हो गया u into v पे, देखिए दो टर्म है दोनों गुना में है तो याद आ रहा होगा कैसे करना है, तो पहला को निकालिए तो x को हम निकाल दिए, पहला को निकालिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन कीजिए तो log x का डिफरेंशिएशन और dx, प्लस देखिए अंदर बाहर log x चल जाएगा बाहर और कौन अंदर आएगा जी, तो x आ जाएगा कहां सर अंदर और बटा dx, क्लियर है। ध्यान से देखिएगा जरा log u का हम क्या किए, 1 बटा u और u का चेन रूल पे तो du बटा dx हो गया। उसके बाद x u into v पे गया तो पहला को निकाले मतलब x को किए, दूसरा को किए डिफरेंशिएशन log x को, प्लस देखे log x को बाहर और x को अंदर। अब हमें क्या करना है तो डिफरेंशिएशन करना है, तो हम अब ऊपर मिटाने वाले हैं सर जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर मिटा रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा अभी,
समीकरण एक को जरा नजर में रखना है। कहाँ रखना है बंधु? समीकरण एक को नजर में रखना है, अभी इसे नहीं मिटाते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले ये U जो है, U तो ये उस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, देख लीजिए। तो ये गुना से कहां जाएगा? भागा में, इधर बचेगा du बटा dx। तो यहां देखिएगा du बटा dx बच गया सर, U चल गया इस तरफ तो U लिख दिए हम। उसके बाद देखिए यहां U तो इस तरफ आया तो यहां अब x बचेगा। अब log x का डिफरेंशिएशन बताइए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो log x का वन वाई क्या होगा? x होगा, प्लस का प्लस दे दीजिए सर। अब log x का तो ठीक है, चलिए log x है। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन आप तो जानते हैं, अब ये क्लियर हो गया। अब आगे हम बढ़ा देते हैं, u का मान यहां पे रखना पड़ेगा हम लोग को। किसका मान रखेंगे? तो u का रखेंगे। तो u देखिए किसको माने थे आप, u x के पावर x, तो जहां u है x के पावर x रखने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो यहां पे रख दीजिए x के पावर x, ब्रैकेट बंद। देखिए ये x और ये x क्या होगा, तो कट जाएगा सर, यहां बचा आपका 1 और प्लस यहां बच गया आपका log x। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर? देखिए अब हमें du बटा dx निकल चुका है ये मान, और dv बटा dx भी ये निकल चुका है। अब समीकरण एक में हम प्रयोग कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में du बटा dx का जो मान ये देखिए सर आया है यहां पे रख देंगे, और dv बटा dx का जो मान आया यहां पे रख देंगे, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए समीकरण एक ही हम इसे मिटा रहे हैं, यहां पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में, सॉरी du बटा dx और dv बटा dx का मान किस में हम लोग रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां हम लोग लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम क्या सर? फर्स्ट समीकरण एक से। तो d बाई बाई dx था, और du बटा dx का जो मान था सर, देखिए समीकरण फर्स्ट क्या था, du बटा dx और माइनस dv बाई क्या था, dx था। अब du बाई dx का जो वैल्यू आया है तो उसे रख देते हैं, तो x के पावर x और 1 प्लस ये हो गया आपका log x हो गया, और बीच में माइनस है, dv बटा dx का वैल्यू रख दीजिए तो ये है dv बाई dx का 2 के पावर sin x और इंटू log 2, यही मेरा क्या हो गया सर, तो आंसर हो गया, यही क्या है जी, आंसर है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहां पे फ्रॉम फर्स्ट हम लिख दिए, यही था देखिए इक्वेशन मेरा फर्स्ट, डी बाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स माइनस डी वी बटा डी एक्स बराबर। अब डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू यहां पे देख लीजिए, एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, पूरा का पूरा देखिए मान हम यहां से क्या किए, रख दिए, क्लियर है। बीच में माइनस था, माइनस दिए, डी वी बटा डी एक्स, डी वी बटा डी एक्स का मान जो था हम यहां पे देखिए यहां पे रख दिए, यही मेरा क्या आ गया आंसर, डी बाई बाई डी एक्स निकल चुका है, ये मेरा पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा मित्र, 5 करेंगे। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब फाइंड आउट dy by dx करना है, dy by dx हमें क्या करना है तो निकालना है, तो निकाल ले क्या, सबसे पहले लेट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे मान लेंगे हम, तो यहां हम लेट कर लेते हैं, आप लोग देखिए नीचे में कीजिएगा, हमें जगह थोड़ा सा क्या करना है, बचाना है मित्र, तो लेट इसे बाई मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर और इंटू x प्लस 4 का क्यूब इंटू x प्लस 5 का पावर कितना, 4। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लॉग, ये देखिए u इंटू v इंटू w पे भी बन सकता है, क्या हम बोले u इंटू v इंटू w पे भी बन सकता है, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा w, लेकिन log से बनाने में थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा और आसान रहेगा, तो लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पर मित्र, log लेने पे, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग
टेकिंग लॉग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पे, तो लॉग लेने पे। तो आगे जरा बढ़ा देते हैं, अब तो हम लॉग ले लेते हैं इसमें। आप देखें यहां से नीचे लिखते जाइएगा सब, यहां देखिए इसी टर्म में तो हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो सबसे पहले बाई में लेंगे लॉग, तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई हो जाएगा। उसके बाद ये पूरे टर्म में ले लेंगे लॉग हम लोग, तो लॉग ले लेते हैं मित्र। तो यहां देखिए हो गया लॉग, और सभी टर्म को एक ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, x प्लस थ्री का स्क्वायर है इनटू, अब देखिए x प्लस फोर का पावर क्यूब है इनटू x प्लस फाइव का पावर फोर है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मजा आ जाएगा, पूरा एक एक बात हम समझा देंगे। अभी तक हम क्या किए, सबसे पहले क्वेश्चन देखें, उसके बाद क्वेश्चन को बाई मान लिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप। बाई मानने के बाद दोनों तरफ लॉग ले लिए हैं, लघुगणक लेने पे तो हम लॉग लगा दिए हैं, अभी तक तो कोई समस्या ही नहीं हुआ है। अब लॉग का रूल लगाएंगे, तो इसे तो लिख दीजिए आप लॉग बाई, क्या लिखें ठाकुर, तो ये हो गया लॉग बाई। अब देखिए आप जानते हैं कि लॉग एम एन और अगर एफ कुछ भी रहे, ए बी सी के टर्म में हम बताए थे, तो सब अगर गुना में रहता है लॉग में तो प्लस में होता है, अगर लॉग ए इंटू बी इंटू सी दो टर्म रहे या दो से अधिक रहे, तो यहां तीन टर्म है, तो गुना में है क्या, तो हां, तो सभी को अलग अलग करके जोड़ देंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी और प्लस लॉग क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। हम क्या किए जी, आप समझिए, तो समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं मित्र, कमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो क्या किए हम, देखिए दो टर्म या दो से अधिक टर्म जब गुना में हो, तो यहां कितना टर्म है, तो तीन टर्म है, गुना में है तो हां गुना में है, तो सबको प्लस में कर देंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो गया। तो यहां भी देखिए एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, तो सबको लॉग के साथ प्लस में कर देना है, तो कर दूं क्या, तो कर दीजिए सर। तो ये हो जाएगा लॉग पहला, ये हो जाएगा x प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस लॉग दूसरा, तो ये हो जाएगा लॉग दूसरा x प्लस फोर का पावर क्यू, अब हो जाएगा लॉग तीसरा, तो प्लस लॉग x प्लस फाइव का पावर फोर। यहां तक क्लियर है, और आपको पता है जो सर पर चढ़ जाता है उसे पटक देते हैं हम लोग, तो देखिए ये दो चढ़ गया है सर, मतलब लॉग x के पावर m अगर आ गया तो m कूद जाता है नीचे, तुरंत कूद जाएगा, तो ये हो जाएगा m इनटू log x हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इसके जैसा ये सब नजर आ रहा होगा log, और ये पूरा x के रूप में है, और ये देखिए सर पे चढ़ चुका, तो ये कूद जाएगा दो आगे, इसमें तीन कूदेगा और इसमें चार कूदेगा, सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही जा रहा है, log y, तो दो आगे कूदा देते हैं, तो दो आगे कर दीजिए और log, जब दो गया तो ये तो बच गया सर x प्लस थ्री प्लस, देखिए तीन आगे कूद गया, कूदेगा तो कूदा दीजिए सर, थ्री इंटू log x प्लस फोर और प्लस, अब फोर को आगे कूदा दीजिए, चार कूदेगा यहां पे आगे, तो ये चार log और x प्लस क्या हो गया फाइव। यहां तक तो क्लियर हो गया सर आप लोग का। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन करने पे मतलब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पे आपको लिखना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि पांच मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना मार्क्स का है जी, पांच मार्क्स का है, तो हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी
log by और बटा dx हो गया। अब देखिए इधर एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म, तो तीनों में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d लगाना पड़ेगा, तो दो तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल गया, अब d इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा log और x प्लस थ्री और बटा dx, दो कांस्टेंट और बाकी सब का डिफरेंशिएशन। इसमें उसी तरह से बताइए तीन का डिफरेंशिएशन होगा, होगा तो होगा, कहां देख रहे हैं जी, टकटकी लगा के यहां देखिए, आपका ध्यान किधर है, किधर है, यहां पे तीन बाहर और डी लॉग एक्स प्लस फोर और बटा डी एक्स हो गया। अब प्लस यहां जरा देखिए चार तो कांस्टेंट है डी लॉग और x प्लस फाइव और यहां हो गया dx, यहां तक क्लियर है सर। अब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप लोग, तो सबसे पहले log by का तो हम हमेशा कर रहे हैं 1 बटा by और d by dx, log by का 1 बटा by और by का d by dx, क्योंकि देखिए असमान है, अगर यहां x रहता तो सिर्फ होता 1 बटा x, लेकिन देखिए यहां x है और यहां भी x है तो log x का डायरेक्ट 1 बाई क्या होता है x, लेकिन मिस्टर यहां पे है बाई तो ये समान नहीं है, यहां है बाई और यहां x, तो ये दोनों असमान है, अनइक्वल है, तो log बाई का 1 बटा बाई, फिर चेन रूल पे बाई का डी बाई बाई डी एक्स, यहां आ जाइए मित्र, तो दो तो चलिए कांस्टेंट है, log का 1 बटा x, तो x के रूप में देखिए ये है log के छोड़कर वो नीचे, जरा ध्यान दीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं log का, तो log का छोड़कर ये कहां आ जाएगा नीचे। अब इसका चेन रूल पे करना पड़ेगा, देखिए पहले log का हुआ तो 1 बटा x, तो ये है x के रूप में, अब ये चेन रूल पे करेंगे तो x का 1 और 3 का 0, सभी में उसी तरह से हो जाएगा, x का 1 और 4 का 0, x का 1 और 5 का 0, तो उसको लिखना, लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 3 इंटू यहां जब log का करेंगे तो log छोड़ के जो रहेगा वो कहां आ जाएगा नीचे, मतलब होता है 1 बाई एक्स, तो x के रूप में ये है तो ये आ गया नीचे, और x का 1 चार का 0, कोई आपत्ति तो नहीं, आपत्ति होना चाहिए। यहां देखिए 4 इंटू वन बाई यहां कौन नीचे आएगा तो ये आएगा, तो x प्लस फाइव क्यों आया, तो log का होता है 1 बाई एक्स और ये x के रूप में है तो नीचे, अब x का डिफरेंशिएशन सॉरी x का 1 होता है और 5 का 0 होता है। अब जरा देखिए यहां तक क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, ये बाई वाला जो भाई साहब है भाग से उधर गुना में कर देंगे, हमेशा भेजते हैं, तो इधर क्या बचा मिस्टर, तो डी वाई वाई डी एक्स बच गया, तो डी बाई बाई डी एक्स, बाई तो उस तरफ गया जी, तो लिख दीजिए ऐसा करते हैं, आप ध्यान से देखिए टकटकी लगा के, ये इसमें सिर्फ दो दो बटा एक्स प्लस थ्री, ये तीन बटा एक्स प्लस फोर और चार बटा एक्स प्लस फाइव, क्योंकि इसका तो कोई महत्व नहीं है, तो एलसीएम लेना चाहते हैं हम, ये टर्म को, ये टर्म को और ये टर्म को, पूरे में हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम होगा एक्स प्लस थ्री, यहां हो जाएगा x प्लस फोर और ये हो जाएगा x प्लस फाइव, तो जरा ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए ये और ये जब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये दोनों बचेगा सर, तो यहां देखिए दो भी है, तो दो के साथ ये दोनों यहां पे क्या होगा लिखा जाएगा x प्लस फोर और ये x प्लस फाइव। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि इसका ये आया तो ये दोनों छोड़कर, ये दोनों है तो यहां पे लिखाएगा, अब प्लस देखिए थ्री, तो ये छोड़कर, ये छोड़कर मतलब बीच वाला छोड़ के अगल और बगल लिखाएगा, तो अगल में है x प्लस थ्री और बगल में है x प्लस क्या सर फाइव है। अब देखिए ये वाला टर्म लिखना है हमें तो ये फोर लिखाएगा, अब ये वाला टर्म x प्लस फाइव छोड़ के जो बचा दोनों लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों सटल है x
प्लस थ्री और x प्लस फोर, तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री और ये हो गया x प्लस फोर और ये ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज हुआ। जरा ध्यान दीजिएगा, बाई था भागा तो इस तरफ आया, क्या चीज में सर गुना में आया, और बाकी इसमें हम क्या ले लिए एलसीएम, इधर डी बाई वाई डी एक्स बच गया। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये x प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव यहाँ पे एलसीएम लिए, एलसीएम लिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स प्लस थ्री खत्म हो गया तो ये दोनों बचा, बचा कि नहीं एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, तो दो के साथ गुना हो गया। अब तीन के साथ अगल और बगल गुना हुआ है सर, चार के साथ ये x प्लस फाइव को छोड़ दिए तो ये दोनों बचा, तो ये दोनों हो गया चार के साथ गुना x प्लस थ्री और x प्लस फोर। अब इसे हल करना है तो जरा देखिए ऊपर मिटा देते हैं, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे हल करेंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप टकटकी लगा के अच्छा से क्या कीजिए सर देखिए। तो सबसे पहले जरा यहां क्लियर कीजिए, जरा देखिए कि ये तो बाई था तो हम पहले लिख देते हैं डी बाई बाई डी एक्स लिख दिए, उसके बाद बाई का मान क्वेश्चन में क्या था, जो क्वेश्चन में हम लोग लेट किए थे तो बाई का मान था एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का क्यूब और इंटू एक्स प्लस फाइव का फोर था। जरा ध्यान दीजिएगा, बाई का मान जो क्वेश्चन में था हमने यहां पे क्या किया रख दिया, पहले तो डी बाई बाई डी एक्स लिख दिए, उसके बाद बाई का मान लिख दिए, अब इसे देखिए हम लोग गुना करके लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे मित्र गुना करके। तो सबसे पहले देखिए ये है शॉर्टकट में, देखिए हम करने के लिए सिखाते हैं, ये है आपका दो और यहां है एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फाइव, तो ये हो गया x प्लस फोर और ये हो गया x प्लस फाइव, ये वाला भी टर्म लिख दीजिए मित्र, लिख लें क्या तो लिख दीजिए। तो देखिए जरा यहां है आपका थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री और है x प्लस आपका फाइव, एक टर्म ये हो गया, अब एक टर्म ये है तो इसको हम यहां लिख देते हैं फोर एक्स प्लस थ्री और ये है x प्लस फोर और इसे गुना करना है। तो देखिए शॉर्ट में गुना करने के लिए सीखिए आप अच्छा से, पहले हम फर्स्ट वाला को गुना कर देते हैं तो x गुने x कितना हुआ x स्क्वायर हुआ, और दो देखिए आगे बैठा हुआ है मतलब सभी में गुना होगा, तो पहला को गुना कीजिए तो x गुने x x स्क्वायर और ये दो है तो दो भी हो गया। अब जो दूसरा टर्म है दोनों में, इसमें जो दूसरा टर्म है एक बार जोड़ना है और एक बार गुना करना है, हम क्या बोले जी लास्ट वाला टर्म को एक बार जोड़िए और एक बार गुना कीजिए, तो पहले जोड़ते हैं पांच और चार नौ जोड़ दिए पहले बार में तो पांच चार नौ तो यहां हो गया नाइन और साथ में एक्स दे देना है और एक बार अब गुना करना है तो पांच चौक बीस, पांच चौक कितना हुआ बीस, तो ये हो गया आपका बीस। लेकिन देखिए दो तो बाहर में था तो दो से गुना होना चाहिए, तो नौ को दो से करेंगे तो नौ दुनी कितना हो जाएगा अठारह और बीस को दो से करेंगे तो ये हो जाएगा बीस दुनी चालीस, यहां तक क्लियर हो गया। हम क्या बोले कि फर्स्ट टर्म को गुना करना है, फर्स्ट टर्म को गुना कीजिए तो एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर होगा और थ्री बाहर है तो थ्री से भी गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर। अब लास्ट वाला जो दोनों टर्म है एक बार जोड़िए तो पहले पांच और तीन आठ हो जाएगा, जोड़िए पहला तो पांच और तीन को जोड़ेंगे तो आठ हुआ और उसके बाद तीन से बाहर में है तो गुना करना पड़ेगा तो पांच तीन आठ और आठ तिया चौबीस तो ये हो गया आपका 24x प्लस। अब एक बार गुना करना पड़ेगा पांच तिया पंद्रह, पंद्रह हुआ और पंद्रह तिया पैतालीस तो ये हो गया पैतालीस। यहां देखिए करके देखिए तो जरा आपसे आता है कि नहीं, ये गुना करके देखिए x गुने x क्या होगा x स्क्वायर और ये जो है चार, चार से गुना हो जाएगा। अब ये दोनों को लास्ट वाला के एक बार जोड़ना है, एक बार गुना करना है मित्र, तो चार तीन सात और ये चार से होगा तो सच्चो कितना होगा अट्ठाईस और साथ में क्या देना पड़ता है x और चरतिया बारह और बारह चौक अड़तालीस तो ये हो गया आपका अड़तालीस। यहां तक क्लियर हो गया मित्र। अब आगे तो देखिए टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव के जगह पे हम लोग ये रख देंगे, मतलब इसके जगह पे वो वाला टर्म रख रहे हैं तो रख दीजिए पूरे टर्म को। तो क्या है टू एक्स स्क्वायर प्लस अठारह एक्स और प्लस
40, और बीच में देखिए यहां पे क्या है, प्लस है। अब 3x+3 और x प्लस फाइव, 3x+3 और x प्लस फाइव, तो मान रखना पड़ेगा, ये पूरे रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 24x और प्लस ये क्या हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। यहां पे क्लियर है। अब देखिए ये वाला टर्म लिखेंगे 4x + 3x + 4, तो ये वाला टर्म देखिए यहां पे है, तो ये पूरा लिख दीजिए सर। तो हम लिख रहे हैं देखिए 4x² और प्लस 28x, क्या हो गया जी 28x, और प्लस ये है आपका क्या 48, और ये ब्रैकेट हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, और बटा में जो है सर बटा में हम क्या करेंगे दे देंगे। ये वाला देखिए टर्म लिखना पड़ेगा बटा में, तो ये हो जाएगा आपका x+3 और x+4 और हो जाएगा x+5। ये तीनों टर्म तो जो था बटा में भाग में उसे लिख दिए। अब जरा आगे देखिएगा सर, अब आगे देखिए हम लोग आंसर अब लिखने वाले हैं थोड़ा। x+3 और ये देखिए तो x+3 दो गो है, यहां कई गो है सर, दो गो, तो एक कट जाएगा यहां पे। देखिए x+4 और यहां देखिए x+4 तीन है इसमें, तो यहां दो देखिए बच जाएगा। x+5 ये कटेगा और ये x+5 कट जाएगा, तो यहां देखिए चार गो है और यहां एक गो, तो कटेगा तो यहां कितना बचेगा सर 3 गो बचेगा, मतलब तीन बचेगा। अब जरा देखिए तो dy/dx तो मेरा निकल रहा है, तो यहां जो बचा x+3 बचा और यहां जो बचा x+4 और ये स्क्वायर बचा, और यहां जो बचा जरा ध्यान दीजिएगा x+5 और इसका पावर क्या बचा सर 3 बचा। अब देखिए स्क्वायर वाला टर्म को जोड़ दीजिए, ये स्क्वायर वाला है और ये स्क्वायर वाला और ये स्क्वायर है, तो 4 × 3 = 7 और 7 और 2 कितना होगा तो 9x² हो जाएगा, तो ये हो गया 9x². अब देखिए x वाला टर्म, ये x वाला टर्म हुआ और ये हुआ, और यहां देखिए 28x है, तो 18x को जोड़ेंगे हम लोग, किसको जोड़ेंगे मित्र, तो यहां जरा देखिएगा 18x को जोड़ेंगे, उसके बाद 24x को जोड़ेंगे और उसके बाद 28x को जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए, जोड़ दें क्या, तो जोड़ दीजिए x, देखिए 8 × 8 = 16, 16 × 4 = 20, तो 20 का 0, 2 × 2 = 4 और 1 = 5 और 1 ये हो गया 6, ध्यान दीजिएगा मिस्टर, 8 × 8 कितना होता है 16 × 4 = 20 का ये 0, 2 × 2 = 4 = 1 = 5 और 5 × 2 क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, मतलब 70x हो गया सर ये प्लस। अब आगे जरा आप देखिए, और अब 40 को जोड़ेंगे और 45 को जोड़ेंगे और 48 को जोड़ेंगे, तो 8 × 5 = 13 होता है, 8 × 5 = 13, 4 × 4 = 8, 8 × 4 = 12 और 12 और 1 कितना हो जाएगा सर 13, तो ये हो गया आपका 133 और यही पूरा आपका क्या हो गया मिस्टर, तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब dy/dx जो है यही निकल गया dy/dx। देखिए बड़ा तो है लेकिन एक दो बार अच्छा से घर में आपको करना पड़ेगा, अगर घर में एक दो बार अच्छा से कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, और इसे आप लोग अच्छी तरीका से क्या कीजिए नोट कर लीजिए पहले।